आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे जो टॉपिक शेयर करने वाला हूं कि पुलिस अगर किसी मामले में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, पुलिस मामले में आरोपियों से मिली हुई है और कई लोग ऐसा भी एलिगेशन लगाते हैं कि पुलिस ने आरोपी से पैसा ले लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास क्या विकल्प है, वो कहाँ किससे शिकायत कर सकता है, कहाँ केस फाइल कर सकता है, कहाँ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो साथियों, आपको आज मैं आपसे एक अलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूँ और जिस जजमेंट में आपको ये जानकारी होगी कि अगर आप कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार से आपके साथ भी हैं जहाँ की पुलिस मामले में सही तरीके से जाँच नहीं कर रही है, कुछ लोग ऐसा भी पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि पुलिस ने जिसको गवाह बनाना चाहिए, जो आई विटनेस है जो इंसिडेंट का, पुलिस ने उसको गवाह नहीं बनाया है, किसी दूसरे व्यक्ति को गवाह बनाया है, तो निश्चित तौर पर इस तरह का मामला कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा पुलिस जिस तरीके से जांच करना चाहिए पुलिस उस तरीके से जांच नहीं कर रही है, पुलिस आरोपियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से मामले में कुछ जो इन्वेस्टिगेशन उसमें कुछ कमी कर रही है। तो साथियों, ये जो जजमेंट है ये मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जजमेंट को पढ़ सकते हैं। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस जजमेंट को लिखा उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट का जिक्र किया है, अगर आपका भी मामला कुछ इससे मिलता जुलता है तो आप उस जजमेंट को ही पढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए जजमेंट भी यूजफुल होगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इस केस के बारे में, ये केस डिसाइड किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 35 रिट पिटीशन फाइल की गई थी इस बात के लिए कि जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सही तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करे और उसमें जो जो विक्टिम का जो राइट है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी राइट, फेयर एंड प्रॉपर, वो उसको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जब ये 35 पिटीशन अलग अलग मामले को लेकर फाइल हुई तो कोर्ट ने एक सिंगल जजमेंट इसमें डिलीवर किया और ये जो जजमेंट डिलीवर किया है ये जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी साहब और जस्टिस समीम अहमद साहब ने जजमेंट को डिलीवर किया है। और साथियों, इसमें मुख्यतः दो क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं जो डिसाइड किए गए हैं। पहला तो ये कि अगर किसी भी मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है तो क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मजिस्ट्रेट उसमें इंटरफेयर कर सके और पुलिस को आदेश दे सके 156(3) CRPC के अंतर्गत कि आप इस मामले में सही तरीके से जांच करें। दूसरा है साथियों कि क्या अगर आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है 156(3) CRPC के अंतर्गत कि इसमें सही तरीके से जांच की जाना चाहिए, तो क्या बिना एप्लीकेशन फाइल के आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कि इसमें जो जांच है जो की जा रही है वो बायस की जा रही है, इसलिए हाई कोर्ट आदेश करे पुलिस को कि वो जांच सही तरीके से करे। तो मुख्यतः आपको इन दो सवालों के जवाब मिलेंगे। अब साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपका राइट क्या है। आर्टिकल 21 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आपको राइट दिया गया है किसी भी व्यक्ति को कि, और ये साथ में है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस CBI, इन जजमेंट में भी, इसके अलावा और भी जजमेंट है जिसमें ऐसा बताया गया, ये कॉमन चीज़ है कि इसमें ये पीड़ित का जो है तो ये राइट है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी राइट, जस्ट एंड फेयर, नॉट आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल और ऑप्रेसिव, मतलब कि जांच कहीं तरीके से कह सकते हैं कि इसमें आरोपी का अधिकार है कि सही तरीके से होना चाहिए, उसको पक्षपातपूर्ण तरीके से या फिर आरोपी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, ये आपका राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब साथियों, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें आपको मैं दो जजमेंट बताने वाला हूँ, एक है सीकरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अनदर्स और जो दूसरा जजमेंट है वो है सुब्रमण्यम एंड अदर्स वर्सेस जानकी एंड अनदर्स। तो साथियों, जो पहला जजमेंट है सीकरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अनदर्स, इसमें बताया कैसे प्रोसेस बताया गया कि किस तरीके से FIR दर्ज करा सकते हैं और जांच सही तरीके से कराने के लिए आपके पास क्या विकल्प है। तो साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि जहां कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहां आप 154 CRPC के अंतर्गत थाने में जाकर शिकायत कर सकते हैं और वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वो आपके मामले को दर्ज करेगा। अब साथियों, हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति हो कि पुलिस जो वहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज है थाने का वो अगर मामला दर्ज नहीं कर रहा है तो आपके पास जो दूसरा विकल्प है कि आप 154(3) CRPC के अंतर्गत SP को रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो इसमें आदेश करे कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR दर्ज किया जाए। तीसरा विकल्प है साथियों आपके पास, अगर मान लीजिए आप पुलिस के पास गए उसने आपकी बात नहीं सुनी, SP के आपको आपने आवेदन दिया उसने आपकी बात नहीं सुनी, फिर आपके पास है 156(3) CRPC के अंतर्गत कि आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो इस मामले में आदेश दे कि FIR दर्ज कराया जाए क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे आदेश दे सकता है कि वहाँ पे जांच की जाना चाहिए। अब साथियों, जो जजमेंट है सीकरी वसु वर्सेस
स्टेट ऑफ यूपी का, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा आपको समझ आएंगी। साथ ही इसमें जो पहला बताया गया है कि इन द कनेक्शन वी वुड लाइक टू स्टेट दैट इफ ए पर्सन हैज अ ग्रीवेंस दैट द पुलिस स्टेशन इज नॉट रजिस्टरिंग हिज एफ आई आर अंडर 156(4) सीआरपीसी देन ही कैन अप्रोच द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 154(3) सीआरपीसी बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग इवन इफ द डज नॉट यील्ड एनी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन द सेंस दैट आइदर द एफआईआर स्टिल नॉट रजिस्टर्ड और अदर और दैट इवन आफ्टर रजिस्टरिंग इट नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज हेल्ड इट इज ओपन टू द एग्रीड पर्सन टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी जो हमने आपको बताया बिफोर द लर्न मजिस्ट्रेट कंसर्न इफ सच एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 फाइल बिफोर द मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द एफआईआर टू बी रजिस्टर्ड एंड आल्सो कैन डायरेक्ट टू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इन केस वेयर अकॉर्डिंग टू द एग्री पर्सन नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वॉज मेड। तो साथियों हमने आपको जो तीन विकल्प बताए हैं, इसके अलावा अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे जांच सही तरीके से नहीं की जा रही है, फेयर एंड प्रॉपर जांच नहीं की जा रही है, तो वहाँ पे भी आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे जांच सही तरीके से की जाना चाहिए। अब साथियों जो दूसरा जजमेंट है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे हमने आपको बताया कि सुब्रमण्यम एंड अनदर्स वर्सेस जानकी एंड अनदर्स, इसमें साथियों जो बताया गया है वो कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ एफ आई आर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड देन मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू बी डन विच इंक्लूड हिज डिस्क्रिप्शन इफ ही डीम इट नेसेसरी रिकमेंडिंग चेंज ऑफ आई ओ सो दैट ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इज डन इन द मैटर। द हाई कोर्ट हैव बीन फ्लडेड विद रिपिटिशन प्रेइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट एफ आई आर और praying for a proper investigation and if the high court entertain such writ petition then they will be flooded with the such writ petition and will not be able to do any other work except dealing with the such writ petition. Honorable Supreme Court further held that the complainant must avail his alternative remedy to approach the magistrate concerned under section 156(3) CRPC. If does so, the magistrate will ensure he promises that he will satisfy the registration of the FIR and also ensure a proper investigation in this matter. तो साथ ही इसमें ऐसा बताया गया है कि ये जैसा कि इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के जो जो रिट पिटीशन है वो एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई है हाई कोर्ट में, इतने सारे एप्लीकेशन फाइल किए जा रहे हैं, तो जो पहला विकल्प है कि पहला जो पीड़ित के पास जो विकल्प है वो 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फाइल करे, और इसे मजिस्ट्रेट के पास पावर ये भी है कि अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो इवन एसपी को भी लिख सकता है, पुलिस ऑफिसर्स को भी लिख सकता है कि यहाँ पे आईओ को चेंज किया जाना चाहिए। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, हमने देखा है कई सारे मामलों में, जैसा आप लोग मुझे बताते हैं कि आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आरोपियों से मिला हुआ है, इसलिए आपके पास ये राइट है कि आप चाहें तो आईओ को भी चेंज करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो राइट जस्ट एंड फेयर प्रॉपर नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में, इसके साथ ही साथियों मजिस्ट्रेट उस मामले की निगरानी भी कर सकता है कि किस प्रकार से इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो आपका राइट है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। साथियों जब ये रिट पिटीशन लास्ट में डिस्पोज ऑफ की गई तो आखिरी में देखिए कोर्ट ने फिर से कंक्लूड किया इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये तीन चार लाइन देखिएगा स्क्रीन पे। We hold that in an informant petitioner is aggrieved that proper fair investigation is not being done by investigating officer, then he see may approach the concerned magistrate by moving an application under section 153 CRPC for appropriate order instead of invoking jurisdiction under 226 of the Constitution of India. तो साथियों कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाने के बजाय आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल करिए, वो आपके मामले को सुनेगा और अगर उसे लग रहा प्रमाण फसाई कि यहाँ पे जो जांच की जा रही है सही तरीके से नहीं की जा रही है तो वो उसके लिए वहाँ पे आदेश दे सकेगा कि किस प्रकार से जांच यहाँ पे की जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा और आपके जो सवाल हों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके भी चर्चा कर सकते हैं, आप अपने केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।